जी सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे स्रोतियां नूं जी आयां नूं जी। हुणे हुणे साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दे बारे आई एक वड्डी ताज़ा खबर। खबर नूं शुरू करन तों पहला जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया ओह सबसक्राइब कर लैण ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। ते नाल ही जिन्हां ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन च दिता होया है, तुसीं उत्थे जा के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कोरोना वायरस की दूजी लहर के कारण भारत में हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कोरोना तो रोजाना ही पीड़ित हो रहे हैं, जिस दे राही लगातार कोरोना तो पीड़ित मरीजों की गिनती लखों की तादाद वाधा होंदा नज़र आ रहा है। दरअसल यह खबर राजनीतिक नेता ते कोरोना संबंधी जुड़ी हुई है। दरअसल हुण साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संबंधी एक चंगी खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह दे वल्लों कोरोना वायरस नूं हरा दिता गया है, भाव कि वह कुछ दिन पहला तकरीबन 10 दिन पहला 19 अप्रैल नूं वह कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दे इलाज लई उन्हां नूं एम्स हस्पताल के ट्रोमा सेंटर विच दाखिल करवा दिता गया सी। इस हस्पताल दे विच लगातार वह इलाज करवा रहे सन, जिस तो बाद हुण यह खुशी की खबर सामने आई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 दिन इलाज करवाउण तो बाद 29 अप्रैल में कोरोना नैगेटिव पाए गए। दस दिए कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय दौरान वह कोरोना संबंधी वैक्सीन कोवैक्सीन के 2 डोज भी लै चुके हैं। दस दिए कि इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र 88 साल दसी जा रही है। इस तो इलावा वह शूगर की बीमारी के मरीज भी दसे जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह संबंधी खबर के आने तो बाद सारे पास खुशी की लहर फैल गई है और उन्होंने सारे वालों बधाइया दिखाई जा रही हैं। तुसी इस बारे की कहना चाहोगे कमेंट सैक्शन में अपने विचार जरूर देना। खबर लास्ट